अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, ये हमारा सेकंड चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए बताते हैं कि कैसे आप किसी महिला, किसी पुरुष, किसी लड़की, कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण का ये उपाय आपने एक बार कर लिया तो आप हमेशा के लिए किसी भी इंसान, महिला को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ कागज़ पर नाम लिखकर आपको इस उपाय को करना है। कागज़ पर नाम लिखकर आप कैसे भी किसी इंसान, महिला जो आपके संबंध में रह चुका है, जो आपसे प्यार करता था, आप भी प्यार करते थे, अब आपके बीच में दूरी बढ़ गई है, रूठ गया या कोई नफरत करने लग गया, तो कैसे उसको वापस पा सकते हैं, अपने वश में करके उसको अपना मनचाहा काम उससे करवा सकते हैं जिसको आप चाहते हैं। तो किस तरीके से आपको वशीकरण करना है, इस उपाय के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखना है आपको पूरी विधि ताकि आपको आने वाले टाइम में किसी से पूछने की आवश्यकता भी ना हो। तो कैसे किसी को अपने वश में किया जाता है, कैसे वशीकरण करके आप अपने वशीकरण करके कैसे किसी को अपने वश में कर सकते हो, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको इस तरीके से एक निशान बनाना है जो कि प्यार का प्रतीक माना जाता है। शुभ काम में हमेशा स्वास्तिक के निशान से ही काम स्टार्ट होते हैं। उसके बाद यहाँ स्वास्तिक के अंदर आपको नाम लिखना है जिसको वश में करना चाहते हो। जैसे उसका नाम है गंगा, तो यहाँ गंगा लिख दीजिए और नीचे यहाँ पर लिख दीजिए मीनू, जिसका वशीकरण करना है तो मीनू। यहाँ लिखने के बाद जो स्वास्तिक का निशान बनाया है आपने, उसके जस्ट नीचे आपको यह लिखना है आपको मीनू, और जो वशीकरण कर रहा है उसका ऊपर लिखना है गंगा। प्लस यहाँ पर माँ का नाम लगा दीजिए। बस इतना करके आप इसको अपने जहाँ मंदिर होता है आपके आसपास, वहाँ पर आप इसको साइड में रख करके 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर वो इंसान आपके वश में होकर के आपकी बात मानने लगेगा, आपको भी लगेगा कि हाँ मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। आप जैसे कहोगे वैसे ही आपकी बात मानेगा, आपके कहने पर चलेगा। तो इस उपाय को करिए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।